हे गाइस, वेलकम बैक टू योर वॉन चैनल बाजार के कुमार। तो हर रोज की तरह फिर से बैक टू बैक स्विंग ट्रेड स्टॉक प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फिर से एक नया स्विंग ट्रेड स्टॉक आप लोग के लिए लाया हूँ, जो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिन के अंदर ये ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके। और एज ए बिगिनर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हर लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, स्टॉक का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म NFL शेयर। जी हाँ दोस्तों, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। स्टॉक की फिलहाल मार्केट प्राइस चल रही है 33.05 रुपये, क्लोजिंग मान लीजिए 33 रुपये ही पकड़ लीजिए आप लोग। स्टॉक की अगले दिन की हाई देखें तो 33.90 का हाई है और लो देखिए 32.85 का लो है। मैं तो स्टॉक को फिलहाल 30 या 31 रुपये पे ही बाइंग करने का सलेशन दूंगा। अगर स्टॉक इस लेवल पे मिल जाए तो दबच लो। जी हाँ दोस्तों, ऊपर की तरफ टारगेट जो होंगे 37, 39 के भी टारगेट निकल के आएंगे। अगर अपने बाई और डीप सेल ऑन हाई की स्ट्रेटजी अपनाना है तो स्टॉक की हाई देखिए, 52 हाई ऑलमोस्ट 44 है, जो कि 24 जुलाई को था 2020, मान लीजिए कुछ 2 महीने पहले ही था। और स्टॉक की फिलहाल 2 वीक डाटा निकाले तो देख सकते हैं लगभग 31.30 का लो है और 36.90 का लो है। तो हम लोग को इसी लेवल में लेना है, 31 से 30 का लेवल आप लोग को लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस लेवल में बाई कीजिए ताकि आपको एवरेज अच्छा रहे। और देखिए स्टॉक की फिनेंशियल इनकम की बात करें, देखिए ऑलमोस्ट मार्च में माइनस था, वहीं पर बढ़ोतरी देखिए, बढ़ोतरी के साथ 15,123 के चल गया है प्रॉफिट, 11,023। और स्टॉक की डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो देखिए लगभग 36.26% का डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है स्टॉक के लिए। और स्टॉक की वॉल्यूम की बात करें, देखिए वॉल्यूम लगभग 4,45,000 के आसपास वॉल्यूम है, थोड़ी बहुत कमी है बट ओवरऑल अच्छा ही है। और देखिए NSE पे जहाँ 2.1% की तेज़ी देखने को मिल रही है, वहीं पर देखिए BSE पे 1.70% का तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखिए स्टॉक की हम लोग बेसिक चार्ट निकाले तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट देखिए स्टॉक अभी 40 से 42 के प्राइस पे स्टे कर रहा था कुछ दिन पहले, जुलाई की बात की जाए, वहीं से करेक्शन देखने को आया। तो लगभग हम लोग को फिर से एक उम्मीद है कि यहीं पे एक जगह एकदम पोजीशन बन सकता है स्टॉक के लिए। देखिए स्टॉक अपना लो से एकदम रैली बना चल रहा है स्टॉक, तो आप लोग इसलिए बाई कीजिए। लगभग आपका 30 से 31 का लेवल होगा बाई करने के लिए, और सेलिंग के लिए 40, 42, 39 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक की सामारी की बात करें, देखिए सामारी मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 42 है, बात कर ले गए आप लोग। देखिए मूविंग ऑल ओवर 42, नो हैवर ओनली फॉर बुलिश फॉर्म। और मूविंग एवरेज कॉस अवर शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए बुलिश सिग्नल है, बट एज ए लॉन्ग टर्म वेरी बियरिश। और बात करते टेक्निकल इंडिकेटर, देखिए टेक्निकल इंडिकेटर ऑलमोस्ट RSI न्यूट्रल पोजिशन चल रहा है और MACD देखिए यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है। और स्टॉक्स की बात करें तो अभी बियरिश है, RSI की बात करें देखिए बुलिश सिग्नल दे रहा है। विलियम परसेंटेज यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है, तो उम्मीद है कि यहाँ से एक बाउंस बैक जो होता है देखने को मिल सकता है। लगातार जब स्टॉक में माइनस चल जाता है और स्टॉक ओवर सोल्ड हो जाता है तो थोड़ी बहुत तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो आप लोग उसी का फ़ायदा उठाइए। ऐसा ना हो कि मौका आप लोग के हाथ से छूट जाए, स्टॉक का अपने रडार पर रखिए, जैसे ही मौका मिले अपना पोजिशन बना लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और स्टॉक की टेक्निकली चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट देखिए स्टॉक का जो मेरा जो रेड लाइन है वो बन चुका है नेगेटिव ट्रेंड की ओर। ऑलमोस्ट देखिए 33.35 का लेवल अगर स्टॉक ब्रेक करता है तभी इसमें पॉजिटिव ही बरकरार रहेगा। अगर स्टॉक इसके ऊपर चला जाता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा देखिए 35 का निकल के आएगा, देन 37, देन 39 के भी टारगेट निकल के आएगा आप लोग के लिए। अगर मान लीजिए बोले तो 40 के भी चल जाएगा आप लोग के लिए। और देखिए स्टॉक जब तक इसके नीचे रहता है तो पहला सपोर्ट निकल गया 32 का सपोर्ट महत्वपूर्ण रहेगा, देन 31, देन 30, ये लेवल आपको महत्वपूर्ण रहेगा बाइंग के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बल्क बाइंग करें, आप लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका एवरेज अच्छा रहे। और देखिए जो लेवल आपको बता दिए, देखिए लेवल जो है 33 का लेवल पिवट पर बन चुका है, स्टॉक इसके ऊपर रहता है 35, 37, 39, देन 40 का लेवल भी देखने को मिल सकता है आप लोग को। अगर स्टॉक इसके नीचे रहता है तो सपोर्ट की तरफ से 30.57, 28, 31 का भी लेवल देख लीजिए यहाँ पे, ये सपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस सपोर्ट पर बाई कीजिए ताकि आपका एवरेज अच्छा रहे। और स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें, देखिए ऑलमोस्ट
16,616 करोड़ का कैपिटल है, और बुक वैल्यू देखिए 39.16 है, और डिविडेंड देखिए 9.50% का डिविडेंड है, और फेस वैल्यू देखिए 10.00% है। तो बड़ा बढ़िया बढ़िया निंजेगा देख रहा है स्टॉक में। और स्टॉक के फोराम की बात कर देखिए, कंपनी सेंटीमेंट जो बोल रहा है अभी भी 0% बाई है, 0% होल्डिंग है, 100% सेलिंग है। तो अगले वीक के अंदर आपको ये पहले अपडेट नहीं होगा इसलिए देखने को मिल रहा है, इसको मत देखिए लग रहा है ये अपडेट नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है। और स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न की बात कर देखिए, प्लेज में 74.71 स्टॉक है, FI के पास कोई स्टॉक नहीं, टोटल DI के पास 0.04 है, और 17.28 फिनेंशियल के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी स्टॉक उठा कर रखा, बहुत ही बढ़िया है। तो फिलहाल बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो हम लोग को भी लिए एक भी मौका बन सकता है, एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आप लोग के लिए उम्मीद दे सकता है स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए। तो जाइए इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट अच्छा रहे, सर सही लेवल पर बाई कीजिए, ऐसा ना हो कि आप लोग बाई करके फंस जाए। ऊपर के लेवल तो बिल्कुल ना लीजिए, आप जितना चाहे ले लो पे लीजिए, हाई पे सेल कीजिए, यही रणनीति अपनाइए, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और कंपनी के ऑफर भी देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL इज़ अ मेजर इंडियन प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स का स्टॉक है, और उससे वह बहुत ही बढ़िया अंडरटेकिंग स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि फिर से एक नए वीडियो आप